हेलो गर्लीज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैंने कर लिए है बहुत सारी शॉपिंग, क्योंकि हर शॉपिंग साइट पे चल रही है सेल, तो मैंने सारी सेल्स का फायदा उठाया है और मैंने कर लिया है शॉपिंग बहुत सारे मेकअप की। तो मैंने जो शॉपिंग की है वो की है अमेजोन से, नायका से और मिंत्रा से भी। मिंत्रा से मैंने एक सिंगल ही आइटम मंगाया है, बट मैंने ये तीनों साइट से शॉपिंग करी है मेकअप की, तो आज उसी का हॉल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ अमेजोन से, और मुझे यहाँ से दो पार्सल रिसीव हुए हैं, इन दो में मेरा पूरा ऑर्डर है। तो चलिए पहले ये वाला पैकेट खोल लेते हैं। आई एम सो एक्साइटेड। इस पैकेट में मुझे तीन चीजें दिख रही हैं, तो फर्स्ट मैं दिखाऊंगी आपको ये मार्स की बीबी क्रीम। और मार्स आजकल काफी ट्रेंडिंग है, काफी अच्छी इसके रिव्यूज आ रहे हैं और मैंने बहुत सारी चीजें इसकी यूज भी की हैं, तो काफी अच्छा लगा मुझे प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज भी। और ये बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है स्किन पे भी। सो गाइस, इसमें मैंने लिया है 03 शेड मीडियम और ये एक ब्लाइंड बाय है, तो मैं इसको आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। तो गाइज, इनर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की आप देख सकते हैं, काफी प्यारी स्लीक सी पैकेजिंग है। और इसका शेड मैं आपको दिखा देती हूँ। इन सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू या तो मैं शॉर्ट्स में शेयर करूंगी या एक मैं बड़ी वीडियो बनाऊंगी। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ इसका शेड दिखा रही हूँ और शेड मैच कुछ सही लग रहा है। आप देख सकते हैं ये इस टाइप का कुछ शेड आ रहा है और मुझे लग रहा है गाइस ये काफी अच्छा मैच होगा मेरी स्किन पे। तो ये मैंने खरीदी है मार्स की बीबी क्रीम इन मीडियम शेड। तो सेकंड प्रोडक्ट भी गाइस मार्स से ही है, ये इनका बहुत ही ज्यादा करंट पॉपुलर प्रोडक्ट है। ये है इनका ग्रिपिंग प्राइमर। ये मैं काफी दिन से लेना चाह रही थी, बट ये ना हर जगह आउट ऑफ स्टॉक रहता है, तो इस बार मुझे अमेजोन पे दिखा तो मैंने एकदम से इसको बाय कर लिया। पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है गाइस, ये काफी अच्छी 30 ml की क्वांटिटी मिली है इसमें। और ये बेस्ट है कि इसमें पंप पैकेजिंग है, तो इसका टेक्सचर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये इस टाइप का जेल फॉर्मुलेशन टाइप में आता है। आप टेक्सचर देख सकते हैं कि ये कुछ ना इस टाइप से है कि ये थोड़ा सा ग्रिप देगा आपके मेकअप को और लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। तो ये प्राइमर काफी ट्रेंडिंग है, तो मैंने इस बार इसको ट्राई दिया है। ये ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, कोई कलर नहीं है इसमें, बट टेक्सचर वाइज काफी स्मूथ है और इजिली ब्लेंड भी हो गया है। तो इसका फुल रिव्यू भी जल्दी शेयर करूंगी। तो सेकंड प्रोडक्ट था हमारा ये मार्स से इनका ग्रिपिंग प्राइमर। तो गाइस, थर्ड प्रोडक्ट है ये, जो कि है एट्यूड की वाटर टिंट, और ये काफी ज्यादा वायरल प्रोडक्ट है और अफोर्डेबल भी है। इसको बताते हैं कि ये बैनर टिंट का ड्यूप है। काफी अच्छा इसका मार्केट में रिव्यू था, मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, तो मैंने इसके दो शेड मंगाए हैं। अभी इस बॉक्स में मुझे ये वाला शेड मिला है और इस शेड का नाम है स्ट्रॉबेरी एड। ये थोड़ा स्ट्रॉबेरी शेड जैसा है, इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल वाटर टेक्स्चर है जैसे कि बैनर टिंट का होता है, और शेड देखें तो ये बहुत ही प्यारा सा स्ट्रॉबेरी पिंक टाइप का शेड है गाइज। आप देख सकते हैं ये शेड है और ये कुछ इस टाइप का लग रहा है। एक जो बैनर टिंट का ड्यूप है मैंने वो शेड लिया है, और एक मैंने ये शेड लिया क्योंकि ये शेड मुझे काफी अच्छा लग रहा था। ये मेरा थर्ड प्रोडक्ट है ट्यूब से वाटर टिंट। तो सेकंड बॉक्स खोल लेते हैं। तो गाइज, सेकंड बॉक्स में कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट आए हैं, और फर्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लिए हैं मैंने मार्स के, काफी प्रोडक्ट खरीदे हैं इस बार। 10 का कॉम्बो था, तो मैंने इस बार पूरा ये कॉम्बो ले लिया है, जिसमें बहुत ही सारी वेरायटी है। ब्राउन है, पर्पल है, थोड़ा ऑरेंज टेराकोटा टाइप शेड है, पिंक है, रेड है। तो मैंने जो इनका बी शायद था, बी शेड मैंने इनका लिया है, ए और बी करके ये सेट आता है, तो मैंने बी वाला लिया है। और ए वाले सेट के तीन शेड मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो मैंने इसमें पूरा इन्वेस्ट किया है। और ये रेगुलर के लिए मुझे अच्छा लगता है, रेगुलर यूज के लिए, तो ये भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है। ये मैं यूज कर चुकी हूँ, रिव्यू भी कर चुकी हूँ, तो बाकी शेड्स ट्राई करने के लिए मैंने मंगाए हैं। तो ये था हमारा फोर्थ प्रोडक्ट। तो गाइज, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा दूसरा शेड एट्यूड का ही। अभी मैंने आपको ये स्ट्रॉबेरी वाला दिखाया था, मैंने लिया है ये वाला शेड भी, जिसका नाम है चेरी 802। ये बैनर टिंट का ड्यूप माना जाता है, और ये मैं आपके साथ डिटेल रिव्यू शेयर करूंगी दोनों का कंपैरिजन की सेम है या नहीं है। बट ये वाला शेड मैंने लिया है चेरी कलर में, इसको मैं अभी आपको ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ। ये दो शेड लिए हैं मैंने इस वाले टिंट में। नेक्स्ट गाइज, मैंने बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट लिया है, तो रूट टचअप्स के लिए मैंने ये प्रोडक्ट लिया है, जो की लॉरियल ब्रांड से है। इसका नाम है मैजिक टच, और शेड लिया है मैंने डार्क ब्राउन। देखिए, सर्दी आने वाली है, विंटर्स में थोड़ा कलर लगा के बैठना या सलून जाना कभी कभी हेक्टिक लगता है, तो मैंने उस टाइम के लिए कि कभी अचानक से आपको जाना पड़ जाए, तो मैंने ये शेड लिया है। इसमें दो ही शेड अवेलेबल थे,
एक ब्लैक एक डार्क ब्राउन, तो मैंने डार्क ब्राउन चूज किया है। और इसको यूज करने के बाद, दो तीन टाइम यूज करने के बाद, मैं आपके साथ इसका डिटेल रिव्यू जरूर शेयर करूंगी, अगर वर्थ होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट मैंने लिए हैं लिपस्टिक्स और ये भी लॉरियल से ही हैं। इसके मैंने दो शेड लिए हैं। इसका नाम है लॉरियल पेरिस इनफ्लेमेबल मैट रेजिस्टेंट लिपस्टिक और शेड लिया है मैंने मेजर क्रश 120, जो कि कुछ इस टाइप का दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और जो दूसरा शेड मैंने लिया है वो थोड़ा सा विंटर को माइंड में रखते हुए लिया है, और वो लिया है मैंने 500 वाइन नॉट। ये एक बहुत ही ज्यादा डार्क कलर मैंने लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब विंटर्स में हम स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं, थोड़ा कोजी सा सीजन होता है, तो मुझे डार्क लिपस्टिक लगाना काफी अच्छा लगता है। गर्मियों में तो हम नहीं लगा पाते हैं। फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन के लिए तो ये सोने पे सुहागा है, काफी ज्यादा स्किन टोन्स पे ही अच्छा लगता है, मैंने रिव्यू देख के लिया है। तो गाइज, इस बॉक्स में लास्ट प्रोडक्ट है ये जो अमेजोन हॉल में मैंने लिया है, ये है शुगर की लिपस्टिक, नंबर लिया है मैंने 15। ये इनकी क्रियोन लिपस्टिक है और ये इस टाइप का आता है। तो गाइज, ये शेड मैं आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ। ये शेड थोड़ा सा इस टाइप का प्लम टाइप का शेड है। सो गाइज, ये सब लिया था मैंने अमेजोन से और अमेजोन के पैकेज अब हो गए हैं खत्म। तो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मिंत्रा हॉल। मिंत्रा से मंगाए हैं मैंने ये स्विस ब्यूटी के बोल्ड मैट लिप लाइनर का सेट। इसमें गाइज 12 शेड्स आते हैं, क्योंकि काफी अफोर्डेबल लग रहा था और आजकल लिप लाइनर्स काफी ट्रेंडिंग भी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी एक ट्राई दिया जाए। काफी अफोर्डेबल रेंज में मुझे ये मिल रहा था। इसकी पैकेजिंग गाइस काफी अच्छी है। ये स्टील का आपका बॉक्स है, इसमें इस तरीके से सारे लिप लाइनर लग के आए हैं, जो आप पिंक भी ले सकते हैं, ब्राउन ले सकते हैं, मोव भी है, रेड भी है, तो सारे टोन्स हैं इसमें। ये सारे शेड्स मैं अभी एक डीप वीडियो बना के आपके साथ सारे शेड्स शेयर करूंगी। नेक्स्ट है हमारा नायका हॉल और यहाँ से मेरे पास ये तीन पैकेज आए हुए हैं। बाकी चलिए खोलते हैं सारे पैकेजेस। ये दो लिपस्टिक, ये मैट टू लास्ट लिपस्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक है इनकी, और नायका मैट टू लास्ट इनका नाम है। और ये शेड लिया है मैंने गुल, जो कि थोड़ा पिंक सॉर्ट ऑफ शेड है। और ये जो दूसरा शेड है ये मैंने लिया है चाय, जो कि प्रॉपर एक ब्राउन शेड है। ये इस तरीके से ये इस टाइप की पैकेजिंग में आती हैं, काफी अच्छा लुक है इनका, पैकिंग काफी अच्छी लग्जूरियस लगती है, काफी हैंडी है। और ये शेड आप देख सकते हैं, ये पिंक है प्रॉपर, मुझे लग रहा है थोड़ा सा बार्बी पिंक टाइप शेड लगेगा। शेड्स और रिव्यू मैं आपको बाद में शेयर करूंगी, अभी बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है। नेक्स्ट मैंने मंगाए हैं ये दो इनके ब्रश, बाय वन गेट वन में मिल गए हैं, और ये 300 का एक था और मुझे 150 का एक पड़ गया है, तो काफी अच्छी डील लगी मुझे ये वाली भी। पैकेजिंग है इनकी आप देख सकते हैं, रोज गोल्ड टाइप की। एंगुलर ब्रश मंगाया है और एक ब्लेंडिंग ब्रश मंगाया है, वो मैंने मंगाए हैं आई ब्रशेस नायका में बाय वन गेट वन में। सो गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट और फर्स्ट प्रोडक्ट है ये मैंने मंगाया है डी कंस्ट्रक्ट का लिप बाम। जैसे कि विंटर्स आ ही रही हैं, तो मुझे लगा क्यों ना एक अच्छा सा लिप बाम मंगाया जाए। और इस लिप बाम की खासियत ये है कि इसमें SPF है, इसमें SPF 30+ है, तो मुझे लगा लिप्स की केयर भी हो जाएगी, तो मैंने ये इनका लिप बाम मंगाया है। सो गाइज, ये है वो लिप बाम और ये ब्राइटनिंग लिप बाम है विद SPF और विटामिन सी, क्योंकि लिप्स बहुत जल्दी चैप हो जाते हैं मेरे भी विंटर में, तो मैंने लिया है फर्स्ट प्रोडक्ट ये। नेक्स्ट मैंने लिया ये के ब्यूटी का काजल और ये इनका जेल फॉर्मूला वाटरप्रूफ ऑल डे वियर एफर्टलेस ग्लाइड काजल है। मेरे को काजल लेने का मन था किसी अच्छे ब्रांड का, तो मैंने इसके रिव्यूज काफी अच्छे देखे हैं, तो सिमिलरली मैंने इसको भी एक ट्राई देने का सोचा है। तो नेक्स्ट है ये। इसके बाद मैंने लिया है के ब्यूटी का ही लिक्विड कलर करेक्टर और शेड लिया है मैंने पीच। ऑरेंज यूज कर रही थी कलर करेक्टर, तो मैंने सोचा ये पीच वाला भी ट्राई करूं, क्योंकि थोड़ा सा मेरा मीडियम टाइप का स्किन टोन है, तो मैंने देखा था एक रिव्यू जिसमें बताया था कि अगर आपकी थोड़ी लाइट स्किन टोन है तो आप पीच भी यूज कर सकते हैं, तो डेली वेयर के हिसाब से सोचते हुए मैंने ये पीच कलर करेक्टर मंगाया है इनका। नेक्स्ट गाइज, मैंने लिया है इनका फाउंडेशन, के ब्यूटी हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है इसका नाम, इसका कैप पे ऐसे के ब्यूटी लिखा हुआ है, तो काफी अच्छी पैकेजिंग लगी मुझे। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इसमें ये लगा कि इसकी ना ये पंप वाली पैकेजिंग है, और पंप वाली पैकेजिंग यूज करना ना बहुत आसान हो जाता है, काफी अच्छा पंप है। और शेड दिखा देती हूँ मैं आपको, तो ये इस टाइप का शेड है, मुझे लगता है काफी अच्छा मैच होगा, और इसका एक डिटेल रिव्यू मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। सो गाइज, लास्ट पैकेट है ये इस पैकेज का और इसमें दो प्रोडक्ट है लास्ट। तो जो सेकंड लास्ट प्रोडक्ट है हमारा वो है के ब्यूटी की लिप टिंट, इस टाइप की पैकेजिंग में आती है। और टिंट्स में आजकल मैं बहुत ज़्यादा हूँ, जैसे कि आपने देखा एटीट्यूड की भी मैंने वाटर टिंट मंगाई है, काफ़ी अच्छी लगती है मुझे टिंट्स। और ये शेड मैंने मंगाया है इनका टैंगी का, जो एप्लीकेटर है गाइज आप देख सकते हैं हार्ट शेप में है। और शेड की बात करूँ तो ये थोड़ा सा ऑरेंज
कोरल टाइप का शेड है, ये एग्जैक्ट वैसा है जैसे मैंने सोचा था। अंडरटोन इसकी रेड है थोड़ी सी ऑरेंज में, बट ये काफी प्यारा शेड लगा मुझे। सेकंड लास्ट प्रोडक्ट था मेरा ये टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने लिया है इनका लेटेस्ट प्रोडक्ट जो कि है के ब्यूटी वेलवेट क्रीम मल्टी यूज ब्लश, और ये शेड लिया है मैंने इनका डीपन। कलर में मैंने काफी ज्यादा रिस्क लिया है, मेरे को पर्पल कलर का लेने का मन था, तो मुझे के ब्यूटी में ये दिखा तो मुझे लगा कि इनकी क्वालिटी अच्छी होती है तो मैं इसमें एक ट्राई ले सकती हूँ। पैकेजिंग काफी अच्छी है इनकी, और अंदर से तो ये आप देख ही सकते हैं कितना लग्जूरियस लग रहा है गाइस। मल्टी यूज है तो आप इसको चीक्स पे यूज कर सकते हैं, आई शेडो की तरह यूज कर सकते हैं, लिप्स पे तो यूज कर ही सकते हैं गाइस। शेड है हमारा ये, आप देख सकते हैं कितना डीप पर्पल कलर है ये, काफी प्यारा लग रहा है गाइस। अभी मेरा इसको टच करने का मन भी नहीं कर रहा है, इसको तो मैं बहुत जल्दी ट्राई करके आपके साथ शेयर करूंगी, ये इनका लेटेस्ट प्रोडक्ट है। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।